करनाल के सीआईए वन पुलिस के द्वारा दो आरोपियों को काबू किया गया है। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि दोनों स्मैक के नशे के आदि हैं। नशे के आदि होने के कारण उन पर काफी कर्ज हो गया था। कर्ज को उतारने व नशे की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि करनाल पुलिस ने गैस एजेंसी के कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया है। 17 अप्रैल 2020 की दोपहर विनय गैस एजेंसी बहादुरचंद कॉलोनी मंडी रोड करनाल का कर्मचारी प्रेम सिंह निवासी गांव घोगड़ीपुर करनाल सिलेंडर सप्लाई करने का काम करता है। उस दिन वह सिलेंडर सप्लाई का काम कर रहा था। उसी वक्त विनय गैस एजेंसी से थोड़ी दूर पर ही गली में बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट के इरादे से कर्मचारी पर बांस के डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। बैग में करीब 28,000 रुपए थे। यहां आपको बता दें कि घटना के संबंध में गैस एजेंसी मालिक विनय गोयल के बयान पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की तफ्तीश करनाल सीआईए वन इंचार्ज निरीक्षक दीपेंद्र सिंह को सौंपी गई थी, जिसके बाद टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी गुरपाल सिंह निवासी गांधीनगर करनाल व गुरमुख उर्फ गोमा निवासी सेक्टर 16 को करनाल के सेक्टर 16 से काबू किया है। यहां आपको बता दें कि पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि दोनों स्मैक के नशे के आदि हैं। नशे के आदि होने के कारण उन पर काफी कर्ज हो गया था। कर्ज को उतारने व नशे की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इससे पहले भी आरोपी गुरमुख पर मोटरसाइकिल चोरी के 4 मुकदमे जिला करनाल में दर्ज हैं। 17/4 को ये दो लड़के थे, जो विनय गैस एजेंसी का एक कर्मचारी था, वो अपने वहाँ आम जनता के लिए सिलेंडर सप्लाई कर रहा था। तो ये दोपहर का समय था, 2 बजे का करीब, तो इन्होंने मौका पाकर वहाँ पर वारदात को अंजाम दिया और उस कर्मचारी के साथ मारपीट करके कैश का बैग उससे छीन कर भाग गए, जिसमें लगभग 28,000 रुपये थे। जैसा कि आपने देखा, हालांकि हमने अभी जो जांच निकाली है, सेक्टर 16 से इन्होंने कबूल कर लिया। जी बिल्कुल कबूल कर लिया। आज वो कोर्ट में पेश किया। राशि अभी तक कोई बरामदगी नहीं हुई इनसे। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा। सर ये कितने जने हैं? 2 बंदे। क्या नाम है? गुरमुख और गुरपाल सिंह। गुरमुख सेक्टर 16 का रहने वाला और गुरपाल सिंह गांधीनगर करनाल का रहने वाला। कल दोपहर बाद इनका पुलिस रिमांड हासिल करके रिकवरी की जाएगी इनसे और अन्य मुकदमों बारे पूछताछ की जाएगी। सर पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं? गुरमुख के खिलाफ पहले बाइक चोरी के 3-4 अभियोग दर्ज हैं। कोई मास्टरमाइंड सर इनमें? नहीं कोई मास्टरमाइंड, ये दोनों ही वारदात को अंजाम दिया था दोनों ने मिलकर। बाकी उच्च अधिकारी आपको अवगत करा देंगे। मैं तरुण मदान और इस समय हम मौजूद हैं करनाल की एससीए वन स्टाफ के कार्यालय में। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले विनय गैस एजेंसी के कर्मचारी से मारपीट कर उसका कैश का बैग लूट लिया गया था। इसी कड़ी में करनाल पुलिस ने यह जिम्मेदारी सीआईए वन को सौंपी थी कि वह जल्दी से जल्दी इस लूट की मामले का खुलासा कर सके। इसी कड़ी में करनाल सीआईए वन की पुलिस ने कल सेक्टर 16 से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया किया है, जिनमें से एक का नाम गुरमु और एक का नाम गुरपाल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी के खिलाफ पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के 3 से 4 मामले दर्ज हैं। अब इन्हें थोड़ी देर के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सीआईए वन के इंचार्ज ने हमें स्पष्ट जानकारी देते हुए यह बताया कि इन आरोपियों से अभी तक कोई बरामदगी नहीं हुई है। हाँ, आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, कल इन्हें गिरफ्तार किया था, अब थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपील की है कि वह अपने एहतियातन अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि ऐसे आरोपियों बार बार देते हैं कड़ी कोई ना कोई कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इसलिए अब करनाल पुलिस और सीआईए वन इनको कोर्ट में पेश करने के बाद इनसे आगामी पूछताछ के लिए कड़ी कार्रवाई के लिए उतारू है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि अगर ये इनमें से कोई मास्टरमाइंड अभी तक कोई नहीं निकला है और इनका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं तरुण मदान सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ये दिनांक 17 तारीख की इंसिडेंस है। जो विनय गैस एजेंसी है वहाँ पे दो अपना मुँह पोश अपना नकाब पोश युवकों ने उसका जो इम्प्लॉई था उसके सिर में डंडे मारकर उसको गहरी चोट पहुँचाई थी, गंभीर चोटें लगी थी, और उसके अपना पैसे का बैग था वो स्नैच करके भाग गए थे। इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने की मौके की CCTV फुटेज उठाए और इनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया और इनको कल हमने शाम को इनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद सेक्टर 16 से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार होने के बाद इन्होंने इस वारदात के बारे में डिस्क्लोज किया। अब फिलहाल इनका रिमांड लिया जाएगा 2 दिन का और इनसे अपना बरामदगी के बारे में प्रयास किए जाएंगे।
अभी तो फिलहाल इनको अरेस्ट किया है, अभी अब रिमांड लेने के बाद इनको बरामद की गई। इनमें से एक के खिलाफ पहले एक चोरी का मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज है। फिलहाल इन्होंने अभी यहाँ तक जो पूछताछ हुई है उसमें इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात और कबूल ली है, जो आज रिमांड लेने के बाद इनकी और गहनता से पूछताछ की जाएगी। बेसिकली ये नशा करने के आदी हैं, अपना काम नशे के लिए छोटी मोटी वो चोरियाँ करते हैं और नशे की अपनी लत को पूरा करते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? एक सेक्टर 16 का रहने वाला है, गांधीनगर का रहने वाला है। एक तो डेयरी वगैरह की हुई है, एक ने तो कुछ भैंस वगैरह रखी हुई हैं, दूसरा आप भी छोटे मोटे नशे करता है, पहले था थोड़ा बहुत इसका वो अपना ड्राइवरी करता था और उसी के करके अपने नशे की लत पूरी कर लेता था। अब फिलहाल ये लॉकडाउन में खाली था, दो ही हैं फिलहाल शामिल और आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे रिमांड लेने के बाद फिर देखते हैं। देखिए जी, देखिए किस तरह इन्होंने हमें बताया कि ये दोनों आरोपी नशे के आदी थे। इनमें से एक व्यक्ति डायरी का काम भी करता था लेकिन लॉकडाउन के चलते ये दोनों फिलहाल खाली थे। पूछताछ में रिमांड के दौरान इन्होंने कुछ वारदातों को कबूला है और ये अन्य वारदातों में कहीं संलिप्त तो नहीं है, इसके लिए गहनता से पूछताछ की जाएगी। इनका 2 दिन का रिमांड है, रिमांड के दौरान पता चलाया जा सकेगा कि इन्होंने आखिर और कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया। इनमें से एक करनाल के सेक्टर 16 का निवासी है तो दूसरा करनाल के गांधीनगर का निवासी है। तो साथ ही साथ हम भी समाचार एक्सप्रेस की तरह से सभी को अपील करना चाहेंगे कि अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। कहीं पर भी उन्हें ऐसा कोई संदिग्ध दिखता है या लगता है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि एक ऐसी अवधि है इसमें कहीं पर भी कोई भी संदिग्ध हो सकता है, इसलिए बिना किसी देरी किए अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति लगता है तो सूचना तुरंत करनाल प्रशासन को दी जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, CA1 स्टाफ कार्यालय से समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.